हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे। अब हम सोल्व करें क्वेश्चन नंबर टू। देखिए क्या कहते हैं, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ द फ्लो। फर्स्ट पार्ट आपने बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है, एक्स प्लस वाई रेज टू दावर फाइव करिए। फर्स्ट क्या होता है, एन सी नोट, फाइव सी नोट एक्स रेज टू दावर फाइव प्लस फाइव सी वन, एक्स की पावर कम हो जाएगी, वाई की प्रेजेंट हो जाएगा, वाई की पावर वन, फाइव सी वन, यानी कि यहाँ जो फिक्स में टर्म होती है वो वाई की पावर आएगा, प्लस फाइव सी टू, एक्स की पावर कम कीजिए, क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस फाइव सी थ्री, एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस फाइव सी फोर, एक्स वाई की फोर प्लस फाइव सी फाइव, वाई रेस टू दावर फाइव, यानी कि एक्स की पावर डिक्रीज होते चलेगी, वाई की पावर इंक्रीज। और एक और ध्यान रखना बच्चा, एक्स और वाई के जो पावर का इंडेक्स का सम करेंगे वो इसके इक्वल आएगा। देखिए वाई की पावर वन, फोर प्लस वन फाइव, यहाँ फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, टू प्लस थ्री फाइव, फोर प्लस वन फाइव। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एन सी नोट यानी कि फाइव सी नोट क्या होता है बच्चों, वन, तो एक्स रेस टू दावर फाइव, एन सी वन क्या होता है एन, यानी कि फाइव सी वन क्या आएगा फाइव, एक्स रेस टू दावर फोर वाई, फाइव सी टू क्या होता है टेन, टेन एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस टेन एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस फाइव एक्स वाई की फोर और प्लस वाई, क्योंकि फाइव सी फोर को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, फाइव सी वन, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। उसके बाद सेकंड पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स प्लस वन बाई वाई रेज टू दावर इलेवन, कितने टर्म में आएंगे इसके एक्सपेंशन में, ट्वेल्व टर्म में, लिखते हैं सभी को। देखिए इलेवन सी नोट एक्स रेज टू दावर इलेवन, इलेवन सी वन एक्स रेज टू दावर टेन और वन बाई वाई प्रेजेंट प्लस इलेवन सी टू एक्स रेज टू दावर नाइन, वन बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस इलेवन सी थ्री एक्स रेज टू दावर एट, वन बाई वाई का क्या आ जाएगा क्यूब प्लस इलेवन सी फोर एक्स रेज टू दावर सेवन, वन बाई वाई फोर आ जाएगी प्लस इलेवन सी फाइव एक्स रेज टू दावर सिक्स, वन बाई वाई रेज टू दावर थ्री प्लस इलेवन सी सिक्स एक्स रेज टू दावर फाइव, वन बाई वाई की पावर फोर प्लस इलेवन सी सेवन एक्स की फोर, वन बाई वाई रेज टू दावर और वाई की पावर टू थ्री फोर, यहाँ कितना आएगा बच्चों फाइव, यहाँ कितना आएगा सिक्स और ये आएगी सेवन, वाई वन बाई वाई की क्या होती है इंक्रीज होती चलेगी पावर प्लस इलेवन सी एट एक्स क्यूब, वन बाई वाई रेज टू दावर एट प्लस इलेवन सी नाइन एक्स स्क्वेयर, वन बाई वाई रेज टू दावर नाइन प्लस इलेवन सी टेन एक्स, वन बाई वाई रेज टू दावर टेन प्लस इलेवन सी इलेवन, वन बाई रेज टू दावर इलेवन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या था, इलेवन सी नोट क्या होता है बच्चों, वन एक्स रेज टू दावर इलेवन प्लस इलेवन एक्स रेज टू दावर टेन अपॉन वाई, इलेवन सी टू यानी कि दो स्टेप खोल दीजिए बच्चे, इलेवन इंटू टेन अपॉन टू इंटू वन, टू फाइव फिफ्टी फाइव, फिफ्टी फाइव एक्स रेज टू दावर नाइन अपॉन वाई स्क्वायर, इलेवन सी थ्री होता है वन सिक्सटी फाइव एक्स रेज टू दावर एट अपॉन वाई क्यूब प्लस थ्री थर्टी एक्स रेज टू सेवन बाई वाई फोर
प्लस फोर सिक्स टू एक्स रेज टू दी पावर सिक्स बाई वाई की फाइव, ठीक है माइनस इलेवन सी फाइव। तीन स्टेप खोल, सॉरी फाइव स्टेप खोल दीजिए इसके, ठीक है उसकी कैलकुलेशन कर लीजिए आप। प्लस इलेवन सी फाइव कितना, फोर सिक्स टू, तो इलेवन सिक्स भी सेम आएगा क्योंकि इलेवन सी सिक्स किसके इक्वल हो जाएगा इलेवन सी फाइव, तो ये भी कितना आएगा फोर सिक्स टू। पावर देख लीजिए इसमें एक्स की पावर फाइव अपन वाई की पावर सिक्स, प्लस थ्री थर्टी एक्स की पावर फोर वाई की पावर सेवन, प्लस वन सिक्सटी फाइव एक्स क्यूब वाई एट, प्लस फिफ्टी फाइव एक्स स्क्वायर वाई की नाइन, प्लस इलेवन एक्स वाई की पावर टेन, और प्लस वन बाय वाई रेस्ट टू दी पावर इलेवन, क्योंकि इलेवन सीधे इलेवन ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन वर्क है वो थोड़ा सा इसमें है, वो आपको ध्यान से करना इस नोट की दिशा इस क्वेश्चन को। इसके बाद सिक्स पार्ट हमारे पास देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई एक्स पावर है सिक्स। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए सिक्स सी नोट x, x की जगह क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए, पावर कितनी आएगी बच्चों सिक्स। अब फर्स्ट टर्म की पावर तो कम होती चलेंगी और सेकंड की एंट्री हो जाएगी, बीच में क्या है माइनस, ये ध्यान से करना। प्लस सिक्स सी वन स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए रेज टू द पावर फाइव इंटू में सेकंड टर्म प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है नेगेटिव है ना तो नेगेटिव आएगा। प्लस सिक्स सी टू एक्स बाई ए स्क्वायर रूट पावर फोर माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर, प्लस सिक्स सी थ्री एक्स बाई ए स्क्वायर रूट क्यूब इंटू में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स, प्लस सिक्स सी फोर एक्स बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर रूट की पावर फोर, यहाँ कितनी आएगी थ्री, ठीक है। प्लस सिक्स सी फाइव एक्स बाई ए स्क्वायर रूट माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर रूट की पावर फाइव, प्लस सिक्स सी सिक्स माइनस ए बाई एक्स का स्क्वायर रूट रेज टू द पावर सिक्स। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए सिक्स सी नॉट वन ये क्या बच्चे एक्स बाई, देखिए एक्चुअली में ये क्या है स्क्वायर रूट एक्स है, इसकी पावर सिक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स की पावर वन बाई टू और उसकी पावर सिक्स, तो कितना आएगा एक्स क्यूब आएगा, ठीक है एक्स क्यूब बाई ए क्यूब आएगा फर्स्ट टर्म से। माइनस सिक्स सी वन सिक्स ये करिए बच्चे कितना आएगा, देखो x की पावर 1 बाई फाइव और 1 बाई टू, 1 बाई फाइव प्लस 1 बाई टू कर लीजिए, ठीक है कहीं से आप सॉल्व कीजिए इसको कितना आएगा, टेन एलसीएम आ जाएगा तो 2 आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सिक्स सी टू और तब जब 15 इंटू एक्स बाई ए क्योंकि पावर 1 बाई फोर प्लस 1 बाई टू करेंगे तो माइनस 20 ये वाले टर्म से माइनस 63 20 और ये क्या है बच्चों कैंसिल रूट एक्स की पावर थ्री, यहाँ भी रूट एक्स की पावर थ्री। उसके बाद प्लस 15 ए बाई एक्स माइनस सिक्स ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आएगा ए क्यूब बाई एक्स क्यूब आ जाएगा, ये आपके पास जो कैलकुलेशन के जो स्टेप रहेंगे तो करिएगा ध्यान से, ये हमने सिक्स पार्ट को सॉल्व किया। इसके बाद ट्राई करते हैं बच्चे एट्थ पार्ट, देखिए उसमें तीन टर्म है हमारे पास गिवन है, वन प्लस टू एक्स
माइनस थ्री एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर फाइव इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, जब लेकिन बाइनोमियल तो क्या होता है, तो दो टर्मों पर अप्लाई होती है, तो आप इसको जो है ऐसे सपोज कर लीजिए, देखिए वन प्लस टू एक्स ये एक टर्म प्लस माइनस थ्री एक्स ये एक टर्म, अब ये ए प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया, ये टर्म क्या हो जाएगी ए और ये टर्म क्या हो जाएगी बी, ए प्लस बी की पावर फाइव, ठीक है। देखिए ध्यान से एन सी नोट x यानी कि a टर्म की पावर 5 ठीक है प्लस 5c1 1 प्लस 2x रेज टू द पावर 4 इनटू सेकंड टर्म की एंट्री हो जाएगी यानी कि b की पावर 1 प्लस 5c2 1 प्लस 2x क्यूब इनटू माइनस 3x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5c3 1 प्लस 2x का स्क्वायर इनटू में इसकी पावर क्यूब में आ जाएगी प्लस 5c4 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर रेज टू पावर 4 प्लस 5c5 माइनस 3x रेज टू पावर 5। इसको सिंपलीफाई करते हैं, आई सी नोट क्या होता है वन पावर फाइव में खोलना वन प्लस टू एक्स की पावर फाइव, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशन करिए तब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, वन प्लस टू एक्स की पावर फाइव होता है आपके पास बच्चों वन प्लस फाइव टू टेन एक्स प्लस फोर्टी एक्स स्क्वायर प्लस एट्टी एक्स क्यूब फोर प्लस एट्टी एक्स की फोर प्लस थर्टी टू एक्स इस पावर को हमने ओपन किया प्लस फाइव सी वन क्या होता है फाइव वन प्लस टू एक्स की पावर फोर करेंगे वन प्लस एट एक्स पावर फोर खोलेंगे तो क्या आएगा आपके पास ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर थर्टी टू एक्स क्यूब प्लस सिक्सटीन एक्स की फोर इंटू माइनस थ्री एक्स के। नेक्स्ट 5c2 क्या होता है बच्चों 10 क्यूब होल देंगे 1 प्लस 8x का क्यूब प्लस 6x प्लस 12x स्क्वायर इनटू में 9x की पावर, क्योंकि पावर इवन है तो प्लस ही रहेगा। अब आ जाते हैं क्यूब में, 5c3 किसके इक्वल आएगा 5c2 के, 5c2 क्या होता है 10 इनटू में इसका क्या था बच्चों स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा वन प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर और दिस इज द क्यूब पावर ऑड है तो माइनस का माइनस रहेगा माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स रेज टू द पावर सिक्स प्लस फाइव सी फोर क्या होता है फाइव सी वन यानी कि फाइव इंटू में वन प्लस टू एक्स इंटू में थ्री की पावर फोर एट्टी वन पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा 81 एक्स रेज टू पावर 8 क्योंकि एक्स क्यूब 2 है ना 2 की पावर 4 करेंगे 8 प्लस ये कितना आएगा बच्चों माइनस 3 की पावर 4 करेंगे 43 243 एक्स रेज टू पावर 10 आ जाएगा, ठीक है 243 एक्स रेज टू पावर 10 नोट की दीजिए बस कैलकुलेशन कीजिएगा बच्चों, कैलकुलेशन करके जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए, मल्टीप्लाई वगैरह करके आप इसको आंसर को मैच कीजिएगा। तो तीन टर्मों में जो क्वेश्चन है वो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, जैसे कि आपके पास नाइन्थ पार्ट है एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स रेज टू द पावर थ्री, इसको भी आप ऐसे ही सोल्व करेंगे, देखिए एक्स प्लस वन प्लस माइनस वन बाई एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म हो जाएगी एक्स प्लस वन ए और बी क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स, सोल्व करेंगे क्या आएगा थ्री सी नोट एक्स प्लस वन क्यूब
प्लस 3c1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3c2 एक्स प्लस 1 यानी कि इसकी पावर कम होती जाएगी और सेकेंड टर्म भी इंक्रीज होती जाएगी प्लस 3c3 और माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए, बस एन सी नोट यानी कि 3c0 क्या होता है 1, क्यूब को खोल दीजिए एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3 प्लस 3 इंटू में x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 बाई एक्स। 3c2 क्या, तो 3c1 यानी कि 3 एक्स प्लस 1 1 बाई x² प्लस माइनस 1 बाई x³ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x इसको 1 बाई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस 3x माइनस 3y माइनस 6 प्लस 3y प्लस 3y² माइनस 1 बाई x³। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x² ये टर्म कैंसल माइनस 5 माइनस 6 प्लस 1 प्लस 3y² और माइनस 1 बाई x³, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद करते हैं बच्चों, देखिए कर लीजिए आंसर, नोट के लिए इसको कंप्लीट यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड, आपने इस टर्म को एक्सपेंड करना बच्चों, ए प्लस बी रेज टू द पावर 5 प्लस ए माइनस बी रेज टू द पावर 5। ठीक है, और एंड हैंस फाइंड द वैल्यू, फिर आपने वैल्यू निकालनी है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस यानी कि ए की जगह स्क्वायर रूट 2 कर देंगे, बी की जगह 1 कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए खोलिए बच्चे इस टर्म को, खोलते हैं पहले क्या आएगा, देखिए 5c0 a रेज टू द पावर 5 5c1 a की पावर 4 b प्लस 5c2 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 5c3 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5c4 ए बी की 4 प्लस 5c5 बी रेज टू द पावर प्लस। अब इस एक्सप्रेशन को खोलते हैं, बस प्लस माइनस आते रहेंगे, 5c0 ए रेज टू द पावर 5 प्लस 5c1 ए रेज टू द पावर 4 और बी प्रेजेंट हो जाएगी, सॉरी माइनस बी प्रेजेंट हो जाएगा प्लस 5c2 ए रेज टू द पावर क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस 5c3 ए स्क्वायर माइनस बी का क्यूब 5c4 ए माइनस बी रेज टू द पावर 4 प्लस 5c5 माइनस बी रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पर हमें ध्यान से देखना बच्चों, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी डबल, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी ऑड कैंसिल हो जाएंगे। देखिए और टर्म में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, जैसे इससे ये टर्म कैंसिल क्यूब वाले से क्यूब वाले क्योंकि माइनस बी का क्यूब है, और बच्चों इससे ये टर्म कैंसिल, बाकी क्या आएंगे सेम दिस इसके इक्वल, ये टर्म क्या आएगी इसके इक्वल आएगी क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर बी इसके, ये दोनों कैसे आएंगे इक्वल आ जाएंगे। तो 2 ले लिया कॉमन क्योंकि सारी टर्म में डबल आएंगी, ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे, 5c0 a रेज टू द पावर 5 प्लस 5c2 ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 5c4 ए बी की पावर 4 क्या आ जाएगा 2 ए रेज टू द जो 5c0 क्या होता है 1 5c2 क्या होता है बच्चों 10
क्यूब बी स्क्वायर प्लस फाइव ए बी क्यूब। ये सभी क्वेश्चन नंबर वन, ये हाफ क्वेश्चन सोल्व किया हमने। उसके बाद कहता है बच्चों वो आप इसकी वैल्यू निकालिए, देखिए क्या कहता है, स्क्वायर रूट टू प्लस वन रेज टू दावर फाइव प्लस स्क्वायर रूट टू माइनस, इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसके साथ कंपैरिजन कीजिए आप, ए की जगह क्या पुट करें रूट टू और बी की जगह वन, ठीक है। तो आप लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एंड बी इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन वी गेट ए की जगह रूट टू प्लस वन करेंगे फाइव प्लस क्या था बच्चे रूट टू माइनस वन रेज टू दावर इज इक्वल टू टू ए की पावर फाइव, यानी कि रूट टू की पावर फाइव प्लस टेन ए क्यूब, रूट टू का क्यूब बी वन स्क्वायर प्लस फाइव ए रूट टू बी की पावर फोर, वन की पावर फोर करेंगे आप। तो सोल्व कीजिए टू रूट टू की पावर फोर, टू इंटू टू फोर, फोर रूट टू प्लस ये आ जाएगा बच्चे रूट टू इंटू टू टू ट्वेंटी रूट टू प्लस फाइव रूट टू ये आ जाएगा टू इंटू में ट्वेंटी नाइन रूट टू इक्वल टू फिफ्टी एट स्क्वायर, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर भी सेम पैटर्न पर रहेगा। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है रूट थ्री प्लस रूट टू का क्यूब प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू का क्यूब, इसको हमने सॉल्व करना है। एक्सपेंशन लगाइए बच्चों, फर्स्ट पार्ट पे कर लीजिए पहले एन सी नोट स्क्वायर रूट थ्री रेज टू द पावर थ्री प्लस थ्री सी वन और इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस थ्री सी टू रूट थ्री रूट टू का स्क्वायर प्लस थ्री सी थ्री रूट टू का क्यूब। अब सेकंड टर्म को ओपन करेंगे प्लस थ्री सी नॉट रूट थ्री का क्यूब प्लस थ्री सी वन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू प्लस थ्री सी टू रूट थ्री और यह आ जाएगा माइनस रूट टू का स्क्वायर प्लस थ्री सी थ्री माइनस रूट टू का। लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी ओड वाले कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या चाहिए सेम से डबल हो जाएंगे, एक्स प्लस एक्स क्या होता है टू एक्स, तो टू ले लिए कॉमन हमने, टू इंटू में थ्री सी नोट टू थ्री क्यूब प्लस थ्री सी टू रूट थ्री और रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा टू एन सी नोट टी सी नोट क्या होता है वन और यह आ जाएगा थ्री रूट थ्री प्लस थ्री इंटू टू रूट थ्री यह आ जाएगा टू इन डोमेन नाइन स्क्वायर रूट थ्री इज इक्वल टू एटीन स्क्वायर रूट थ्री आ रहा है, ठीक। इस तरीके से कीजिएगा क्वेश्चन बच्चे। उसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था थर्ड पार्ट क्या है, जीरो पॉइंट नाइन नाइन रेज टू द पावर फाइव प्लस वन पॉइंट जीरो वन रेज टू द पावर फाइव।
0.99 को लिख सकते हैं आप, 1 माइनस 0.01 रेस टू द पावर 5 प्लस 0.01 रेस टू द पावर 5। सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। एक प्लस का केस, एक माइनस का, तो अंदर क्या बचती है बच्चों, इवन वाली बचती है। तो आप कैलकुलेशन करना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इवन वाली का क्या बचेगा, देखो 5C0 प्लस 5C2 0.01 का स्क्वायर प्लस 5C4 0.01 की पावर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ए प्लस बी है माइनस बी है, तो क्या बचते हैं इवन वाली टर्म बचती है, वो मैंने कंसिडर कर लिया। यह जगह 2 1 प्लस 5C2 10 इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे 0.0001 प्लस 5C4, 5C1 के इक्वल होता है ना, तो 5C1 क्या होता है 5 इंटू में 0.00000 ध्यान से करना, ये कितनी जीरो आएंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 0 आएंगे। आ जाएगा 2 प्लस 0.002 क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 0.001 आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट आपके आंसर 2.002 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।